लास्ट में जो था कि क्या रो इक्लान फॉर्म अप्लाई करने के बाद आइगन वैल्यू में चेंज होता है या आइगन वैल्यू नहीं बदलती, क्या था स्टेटमेंट का स्टेटमेंट तो फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए रिड्यूस कैपिटल ए टू द इक्लान फॉर्म। अब जस्टिफिकेशन में क्या लिखा गया था, रो रिड्यूसिंग चेंजेस द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर, इसमें लिख देना फॉर एग्जाम्पल टेक कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले तो इसी के बारे में बता दो क्लियरली इट्स टू आइगन वैल्यूज आर 0 and 6 स्पष्ट है। हम लोग अपने प्रोसेस के दौरान देख चुके हैं किसकी दो आइगन वैल्यू, एक आपको 0 मिलेगी, दूसरी आपको कौन सी मिलेगी 6 मिलेगी। ये तो दो आपको मिलेंगी। बट इफ वी अप्लाई रो ऑपरेशन, बट इफ वी इक्लान फॉर्म बोला था ना, क्या कहा रिड्यूस टू इक्लान फॉर्म, हाँ बट इफ वी रिड्यूस्ड कैपिटल ए टू इक्लान फॉर्म, कैपिटल ए टू इक्लान फॉर्म ए इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 0 0 0 0 0 0 और ऐसे लिख करके ना यहां कह देना अपर ट्राइंगुलर यूटीएम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इंप्लाइज दैट आइगन वैल्यू आर 1 0 0। क्या 6 मिसिंग हो गया कि नहीं, 6 मिसिंग ठीक। सो रो ऑपरेशन में चेंज, सो रो ऑपरेशन चेंज द इक्लान सॉरी इक्लान फॉर्म डज नॉट गिव ओरिजिनल आइगन वैल्यू। लास्ट में लिखना, पहले पूरा लिखो, लिखो नहीं लिखो आपको समझ में आ गया मिसिंग करना था, ये नहीं लगाया हमने, कंफ्यूजन होती है इसमें निकालने में कंफ्यूजन हो रही है, किसमें कंफ्यूजन होती है बताओ तो। अब तुम सुन लिए ना, अब बताओ कंफ्यूजन कहाँ होती है ना, ये छूट नहीं पाओगे अभी तुम लोग, कहाँ कंफ्यूजन है इसको निकालने में इक्लान फॉर्म लगाने में। बोल भाई नहीं यार, अब बोलवा नहीं करें। अब ये बताओ इसमें कौन सा इलाज है कंफ्यूजन का, जब हम पूछ रहे हैं 3 बार 4 बार कहाँ कंफ्यूजन है, तब वो नहीं बोलोगे तो कहाँ से गरिमा कहाँ कंफ्यूजन है, कहीं नहीं। अच्छा 4 सवाल पूछे अब नहीं, तुम लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है ना, हम तुम लोगों से 4 बार पूछते हैं कहाँ दिक्कत है बता दो भाई, तुम लोग अपने आप का कांड भी दोनों बोलते नहीं करोगे, खुद ही सीख लोगे। अच्छा पुराने कितने लेक्चर कंप्लीट हुए हैं मानसी, कितने कंप्लीट हुए हैं? 17 तो कल अपलोड किए थे, कल को था कल आठवां। अच्छा तुम ये वाला जोड़ करके बोल रही हो क्या, 7? अच्छा कल 8वां था, इसके पहले 7 थे, 7 तो कंप्लीट है, 7 तो कंप्लीट है, तो ये बताओ 7 तो कंप्लीट है तो तुमको कंफ्यूजन कहाँ आ रही थी? नहीं सर कंप्यूटर मतलब ये जो क्वेश्चन दी थी ना, हाँ तो वो पूछी इसे कैसे निकाला जाएगा, किसका इसका जो ये क्वेश्चन दी थी। अच्छा वो जो दी, हाँ। उसके लिए सेकंड है ना अगली एक्सरसाइज, वहां से बताएंगे उसके लिए, a-λi को सॉल्व करेंगे, वहां पर ch पॉलीनोमियल ch इक्वेशन बनेगा। भानुमति पिटारा तो अभी खुल रहा है, अभी खुला कहां है, अब एक एक निकलेगा, एक एक चीज निकलता रहेगा। चलो अगले फिर, चलो ट्रू फॉल्स अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कितने हुए थे, e हो गए थे f पर आना, f if ax is equal to lambda x, ax is equal to lambda x for some scalar lambda, for some scalar lambda
देन एक्स इज एन आइगन वेक्टर, देन एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, तुम समझ नहीं पाए, ये नहीं हुआ था। If AX is equal to lambda X for some scalar lambda, then X is an eigenvector of capital A. जो हुआ था वो ये हुआ था। If AX is equal to lambda X for some vector X, ये हुआ था। अभी किसके लिए लिख रहे हैं? Some scalar lambda, ना? मतलब एक ही आदमी को करने के दो तरीके हो गए हैं। बस ये बच्चिंटू अहीं आओ, ये भैया ज्ञान प्रकाश तन की सुन लेते हैं। दो तरीके। तो एक ही आदमी है, एक बार स्केलर लैम्डा के नाम पे पूछा जा रहा है, एक बार वेक्टर एक्स के नाम पे पूछा जा रहा है। दोनों ही बार इसका आंसर गलत ही आएगा, दोनों ही बार, क्योंकि पहले में जब आपने इसको एक्स के नाम पर बिल काट के पूछा फॉर सम वेक्टर एक्स, तब भी आपने एक्स को नॉन जीरो होने की गारंटी नहीं दी। आज आप लैम्डा के लिए पूछ रहे हो, लैम्डा पूछो हो, मेरे से क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो जो है तू ही घर द्वार, तू ही चुलिया निवार, वो कौन है? X है। X अगर नॉन जीरो हो गया तब ये इक्वेशन तुरंत डिक्लेयर कर देगी कि X आपके लिए क्या बन चुका है? आइगन वेक्टर। लेकिन अगर X जीरो हो गया तो नहीं हो सकता, लिख देना फाल्स, फाल्स एज इट इज नॉट मेंशन, फाल्स करके लिखना। एज चाहे तो पहला वाला ही लिख दो, जस्टिफिकेशन चाहे लिख दो, एज इट इज नॉट मेंशन वेक्टर X इज जीरो और नॉन जीरो, एज इट इज नॉट मेंशन That X is non-zero. X is non-zero. ये mention नहीं किया गया है। और मुझको X कैसा चाहिए? Non-zero vector चाहिए। F, F के बाद G आता है ना? G. If V1 and V2 are linearly independent eigenvectors, if vector V1 and vector V2 are linearly independent eigenvectors, are linearly independent eigenvectors, then they correspond, then they correspond, then they correspond to distinct eigenvalue, to distinct आइगन वैल्यू, हम एक थ्योरम का जिक्र कर दें फिर तुम लोग बताना सही है कि गलत है। एक थ्योरम का जिक्र करते हैं हम लोग, एक थ्योरम पढ़े कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए एन क्रॉस एन की है, और जाहिर सी बात है मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है तो कुल कितने आइगन वैल्यू आएगी? एन आइगन वैल्यू। इसके पास आइगन वैल्यू आई लैम्डा वन लैम्डा टू, बहुत इत्मीनान से स्टेटमेंट सुनना, बहुत इत्मीनान से स्टेटमेंट सुनना, उसके बाद ही जवाब देना। एक मैट्रिक्स कैपिटल ए एन क्रॉस एन की है तो उसके पास टोटल एन आइगन वैल्यू आएगी, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अप टू सो ऑन लैम्डा एन। लेकिन ये आइगन वैल्यू सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सारी डिफरेंट हो सकती है, कुछ सेम हो सकती है। हम इनमें से डिफरेंट आइगन वैल्यू को चुन रखें। मान लिया पहली डिफरेंट आइगन वैल्यू कोई लैम्डा वन है, दूसरी लैम्डा टू है, तीसरी लैम्डा थ्री है, इस तरीके से करते हुए लैम्डा आर, बस यही लोग डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंक्ट नहीं है। लैम्डा वन के रिस्पेक्ट में एक आइगन वेक्टर ले लिया एक्स वन, लैम्डा टू के रिस्पेक्ट में एक आइगन वेक्टर ले लिया एक्स टू, लैम्डा थ्री के रिस्पेक्ट में एक्स थ्री, इस तरह लैम्डा आर के रिस्पेक्ट में एक्स आर। कितने आइगन वेक्टर चुन लिए? आर। ये जो सेट आएगा, चूंकि ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में है, ये जो सेट आया ये आइगन वेक्टर का कलेक्शन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिया गया है, इसलिए ये सेट कैसा होगा? अब आओ अपने इस पर, ये कह रहे हैं कि वेक्टर वी वन वेक्टर वी टू आर एल आई आइगन वेक्टर। अगर v1 और v2 दो के दोनों कैसे हैं? Li आइगन वेक्टर हैं, then they correspond to the distinct आइगन वैल्यू। तो ये distinct आइगन वैल्यू के correspondence में आए होंगे, मतलब x1 के v1 के लिए आइगन वैल्यू अलग रही होगी, v2 के लिए आइगन वैल्यू अलग रही होगी। ठीक, अब पहले फिनान से सोच लो, फिर ट्रू फॉल्स बताना, सोच लो पहले फिनान से, सोच लिए। कितने लोग कहते हो ये स्टेटमेंट सही है? हाथ ऊपर। अच्छा, कितने लोग कहते हैं ये स्टेटमेंट गलत है? हाथ ऊपर।
दो लोग बस पूरी क्लास में नहीं, तुम्ही दो लोग का ही लोग स्टेटमेंट गलत है ना, बताओ क्यों गलत है, जस्टिफिकेशन दो। अरे बेहतरीन बेहतरीन, कल है लगा दिए उल्टा, इस थ्योरम में उल्टी बात नहीं कही गई है, उल्टे की गारंटी नहीं है। ये बताओ अगर किसी आपने कल एक न्यूमेरिकल करवाए थे जिसमें x2 और x3 फ्री आया था, याद आ रहा है, आइगन वैल्यू कितनी थी जरा बताओ तो, लैम्डा बराबर जीरो, और लैम्डा बराबर जीरो के रिस्पेक्ट में मुझको जो आइगन वैल्यू, जो आइगन वेक्टर मिल रहे थे वो दो इंडिपेंडेंट मिल रहे थे, याद करो न्यूमेरिकल जिसमें कहा था कि आप आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन, याद आ रहा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड टू li आइगन वेक्टर्स, दो li आइगन वेक्टर निकाल लिए। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास एक आइगन वैल्यू 6 आ रही थी, एक 0 आ रही थी, 6 ही तो आ रही थी, दो आइगन वैल्यू मेरे पास आ रही थी, एक 6 एक 0, काम अपने लोग 0 से किए, कितना 15 आ रही थी, अच्छा एक 15 आ रही थी, एक 0, और काम हम लोगों ने 0 से किया था, और 0 के रिस्पेक्ट में मेरे पास दो कॉलम टूटे थे, x2 और x3 दोनों कैसे बने थे, फ्री बने थे, और सोचो एक ही आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में दो li वेक्टर आ गए थे कि नहीं आ गए थे। तो इसका मतलब अगर आप डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, गौर से सुनना, अगर आप डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक एक आइगन वेक्टर चुन रहे हो तो सेट कैसा होगा, li, लेकिन आइगन वेक्टर का सेट li है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आइगन वेक्टर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए ही आएंगे, ये सेम आइगन वैल्यू के लिए भी आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट के लिए भी आ सकते हैं। क्लियर हुआ, पुराने एग्जाम्पल का रेफरेंस दे देना, गड़बड़ पुराना वाला जो था कितना था, वो शायद 15 था, तो 5 5 5 था, 5 5 5, अभी गौर करना, हम दोबारा दिखा रहे हैं, 5 5 5 5 5 5 5 5 5, यही मिला हुआ था, ठीक। और इसके बाद एक आइगन वैल्यू इसके लिए अपने पास चूंकि इनवर्टिबल नहीं है, तो एक आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर कितनी हो गई थी, 0, तो इसका मतलब हम लोगों ने जब a माइनस लैम्डा आई किया था तो ये वापस कितना आ गया था, a ही आ गया था, ठीक। इस दौरान a माइनस, अब गौर करना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0, x1 कैसा था बेसिक, x2 कैसा था फ्री, x3 कैसा था फ्री, और यहां से हम लोगों को मिला हुआ था x1 is equal to minus x2 minus x3, जहां ये दोनों फ्री थे, तो हम लोगों के लिए आइगन वेक्टर बना हुआ था x1 x2 और कितना x3, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x3, और x2 कैसा था फ्री, x3 भी कैसा था फ्री। इसके बाद फिर एक कॉलम टूटा था x2 के नाम पर, माइनस 1 1 0, और प्लस x3 इसके नाम पर टूटा हुआ था माइनस 1 0 1। बोलो एक ही आइगन वैल्यू है लैम्डा बराबर 0, अब उसके लिए क्या आपको दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, और सोचो जब आपको दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, li, इसको कह देते हैं लो आप कौन हो v1, आप कौन हो v2। सोचो आज की तारीख में मुझको एक ही आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में दो li आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, और आप कह रहे हो कि अगर v1 v2 li हुआ तो दे करेस्पॉन्ड टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका मतलब लिखा गया स्टेटमेंट सही नहीं, कभी कभी सही हो सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ, तुम लोग कोई क्वेश्चन नंबर डाले हो नहीं डाले, कोई क्वेश्चन नंबर डाले हो, जो क्वेश्चन नंबर डाले हो उसी का रेफरेंस दे देना, और अगर कोई नहीं डाले हो ना तो उस पर कह देना स्पेशल, लिख देना स्पेशल, और कह देना बाय द स्पेशल एग्जाम्पल, ये लिख देना, नंबर डाल दो ज्यादा अच्छा है। क्या सुनो, टेंशन ना लो, जो लोग नंबर नहीं डाले हैं वो लोग ऐसे लिखे मेरी तरह, फॉल्स फॉल्स, और लिखना फॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू 5 5 5 5 5 5 5 5 5, बी हैव 2 li आइगन वेक्टर्स, टू li आइगन वेक्टर्स, नेमली -1 1 0 एंड -1 0 1, करेस्पॉन्डिंग टू सिंगल आइगन वैल्यू, सिंगल के नीचे डबल अंडरलाइन, सिंगल आइगन वैल्यू
लैम्डा बराबर जीरो। हम एक ही सिंगल आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर जीरो के रिस्पेक्ट में दो एलआई वेक्टर पाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इस स्टेटमेंट का काउंटर एग्जांपल मौजूद है। ये स्टेटमेंट कहता है बी वन और बी टू अगर एलआई हैं तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए ही आए होंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। थ्योरम तो हम खाली तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और कंफ्यूज भी करने से ज्यादा इसलिए भी लिखे थे क्योंकि ये पता चले उस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट सही नहीं होता, और शायद थ्योरम को प्रूव कराते वक्त कहीं लिखाए भी कन्वर्स ऑफ दी एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। अगर नहीं लिखाए हैं तो थ्योरम के पास जाकर के वापस लिख देना कन्वर्स ऑफ दी एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। मेरे ख्याल से शायद लिखाए नहीं लिखाए हैं, ठीक है लिख देना वहां थ्योरम के पास कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, और उसके लिए वहीं पर लिख देना सी ट्रू एंड फॉल्स, सी ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज। मिल गए नहीं किया वहीं वहां थ्योरम के नीचे लिख देना कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, और लिख देना सी ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज, सी ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज। सबको मिला कि हम खोजें सबको, मिल गया हाँ, फिर हम एक एक के पास आके बताएं कहां लिखे हैं। जो नहीं लिखा होगा तो बेचारा सूख जाएगा कि हम लिखे हुए नहीं कि आप का करें। अभी भी जिन लोगों का शुरुआत का कॉन्सेप्ट इसका नहीं क्लियर है बोल रहे हो ना, लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेक्चर देख करके कंप्लीट कर दो ना, आएंगे नहीं लेक्चर लेकिन मूड ही है, किसी दिन ज्यादा मूड आ गए तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, मेरे मूड के ऊपर है बस, खाली हो हटाएंगे नहीं, जो एक बार निकाल दिए निकाल दिए फिर उसको रखने वाले नहीं, हो जाए तो बताना हटाया जाए इसको, नोट करो कितना होगा, जी हो गया ना, एच पर आना, एच 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 द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, दी आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, दी आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आर ऑन इट्स मेन डायगोनल, ऑन इट्स मेन डायगोनल। ये कह रहे हैं दी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, किसी दी गई मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो उसके मेन डायगोनल पर लाई करती है। गलत बात, ये केवल ये गुरमुसई मैट्रिक्स के केस में सही नहीं है, ठीक लिख देना फाल्स। अरे गुरमुसई का मतलब ना बस ऐसी जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है उनके बारे में, फाल्स। अच्छा ये कब सही होगा, हाँ अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर दोनों केसेस में सही हो जाएगा। इट्स ट्रू ओनली, इट्स ट्रू ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज बड़बड़ाही, व्हेन मैट्रिक्स इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अथवा ये एक और डायगोनल लोअर एज वेल एज अपर और डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल कहते हैं ना स्केलर मैट्रिक्स इसमें शामिल है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी कैसी होती है डायगोनल मैट्रिक्स, और जिसकी डायगोनल एंट्री कैसी होती है सेम टू सेम होती है एक बराबर, कौन सा। अब यहां वही ना जितनी चर्चा करेंगे ऑलरेडी स्क्वायर है, अगर आपसे आइगन वैल्यू कह दिया ना पक्का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया पक्का। और ये याद करो स्टेटमेंट की शुरुआत में हम लोग लिखते कैपिटल ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, शुरू में लिख दिए थे, तो यहाँ पूरी चर्चा स्क्वायर पर, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स तो आइगन वैल्यू नहीं पाएंगे। ये नोट करो बस टू फॉल्स खत्म हो जा रहे हैं। लास्ट आखिरी एच आई एन आइगन स्पेस ऑफ कैपिटल ए एन आइगन स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज अ नल स्पेस ऑफ, इज अ नल स्पेस ऑफ अ सर्टेन मैट्रिक्स, नल स्पेस ऑफ अ सर्टेन मैट्रिक्स।
ये कह रहे हैं किसी दी गई मैट्रिक्स के लिए जो आइगन स्पेस निकल के आता है, आइगन स्पेस कौन, कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है, उसके करेस्पॉन्डेंस में उसके जितने आइगन वेक्टर हैं सबको बटोर लो और एक जीरो वेक्टर को शामिल कर लो, ये कौन होता है, लैम्डा के करेस्पॉन्डेंस में आइगन स्पेस होता है। ये कह रहे हैं द आइगन स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज अ नल स्पेस ऑफ अ सर्टेन मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो आइगन स्पेस होता है वो किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का नल स्पेस होता है। नल स्पेस कौन, ऐसे लोगों का झुंड जिनकी इमेज केवल और केवल क्या बन रही है, जीरो बन रही है, यही तो, या दूसरी भाषा में कहें आओ होमोजीनियस सिस्टम की भाषा में, तो आपके होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन सेट होता है वही नल स्पेस कहलाता है, होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट नल स्पेस कहलाता है। और सोचो हम किसका बटोर रहे हैं, हमने कहा लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स कैसा सॉल्यूशन रखेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू नल, बोलो क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं, इसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल, लेकिन वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप किसके लिए निकालो, ए के लिए या ए माइनस लैम्डा आई के लिए, ए माइनस लैम्डा आई के लिए, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट कलेक्शन होता है एक्स का और वही एक्स आइगन वेक्टर बनता है किसका, ए का, सोचो सॉल्यूशन सेट ही तो इकट्ठा कर रहे हो और इसका सॉल्यूशन सेट किसका, ए माइनस लैम्डा आई का सॉल्यूशन सेट इसी के लिए क्या काम कर रहा है, नल स्पेस का काम कर रहा है। लेकिन मुझको पता है इसके सॉल्यूशन सेट में जितने लोग हैं वो कैपिटल ए के लिए कौन है, आइगन वेक्टर है, तो सोचो इसका आइगन वेक्टर किसी नल स्पेस का ही मेंबर हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। और किस मैट्रिक्स के लिए ये लोग नल स्पेस बना रहे हैं, ए माइनस लैम्डा आई के, क्लियर है बातें, नहीं कई लोगों के इधर, अरे कई लोग चले गए, वापस सुन लो, अच्छा ऊपर वाला तो हटा, सुनो नाम नया आ गया ना, अब ये नाम लीनियर अलजेब्रा में आया नहीं है, एक नाम होता है नल स्पेस, नल स्पेस, ठीक, नल स्पेस का मतलब चुप गए, उनका कोई मतलब अपने लिए नहीं बच रहा है, खत्म हो चुके हैं पूरे तरीके से, अच्छा खत्म होने का मतलब जीरो नहीं हो गए, दुनिया की नजर में उनकी इमेज जीरो हो गई, दुनिया की नजर में उनकी इमेज जीरो हो गई, दुनिया उनको काम बताने से पहले ही सोचती है यार बैलर आदमी है कौन काम देगा तुरंत, खत्म ना, ऐसे लोग मतलब घर का वो मेंबर जिसको पैसा दिया गया कि भैया जाओ ना, दादा या दादी कोई है स्वर्गवासी हो गए इनके लिए कफन उफन खरीद लाओ, अब वो चले गए उसी पैसे को लेकर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट काम सौंपा गया है उस पैसे को लेकर के जा रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं उसी पैसे, होते हैं एकाध लोग हो जाते हैं ऐसे, या उसी पैसे को लेकर के गए खाने के लिए, इतने दीवानगी है उनकी, गए जलेबी समोसा खाने लगे लेकिन वो चीज नहीं लाए जिसको लाने के लिए, घर का वो लड़का ना जिसको कुछ भी सामान लाने के लिए कहो तो वो घर में कमीशन मांगता है, कुछ तो दीजिए, लेकिन वो है उसकी वैल्यू रहेगी, तुम लोग नहीं, तुम लोग सीधे साधे लोग ना, ऐसे लोग कुछ होते हैं ऐसे लोग ना, ये चुके लोगों की दुनिया है, मतलब दुनिया अपनी नजर में उनकी इमेज ही क्या बना चुकी है, जीरो। और सोचो मैट्रिक्स में ये काम कौन कर रहा है, मैट्रिक्स में ये काम वो वेक्टर कर रहे हैं जिन पर जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स कैसी है, नॉन जीरो, ये कैसे है नॉन जीरो, नॉन जीरो ने नॉन जीरो पर ऑपरेट किया लेकिन रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस किया, इसका मतलब अच्छा सोचो एक्स कौन है, अब आप गणित की भाषा में एक्स कौन है, इस लिखे गए होमोजीनियस का सॉल्यूशन ही एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्स वो वेक्टर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ए में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देगा, जीरो देगा, मतलब हम कहें तो कैपिटल ए का सॉल्यूशन सेट या इस सिस्टम का सॉल्यूशन सेट, यहां लिख रहे हैं सिस्टम का सॉल्यूशन सेट कैपिटल ए का नल स्पेस कहलाता है, नल स्पेस होता है, कोई मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स को लेकर के एक होमोजीनियस सिस्टम बना दो, कौन सा सिस्टम बनाया, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब अब आपको केवल उन्हीं वेक्टर की तलाश है
जिन पर जिनको यहाँ रखने पर रिजल्ट कितना मिले, जीरो। हर बार इमेज जीरो मिल रही कि नहीं, हर बार इमेज जीरो। तो ऐसे सॉल्यूशन सेट जो होते हैं ना, ये जो कलेक्शन होता है, इन शॉर्ट कहना होमोजीनियस का कलेक्शन, होमोजीनियस का सॉल्यूशन सेट क्या बनाता है, नल स्पेस किसके लिए, कैपिटल ए के लिए। क्लियर हुआ? अब सुनना, जब आप काम करते हो आइगन वेक्टर के लिए तो आप बनाते हो ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू कितना, नल। इनको सॉल्व करके निकालते हो, कहते हो वो नॉन जीरो वेक्टर, वो नॉन जीरो वेक्टर जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे वो लैम्डा के रिस्पेक्ट में कैपिटल ए के लिए किसका काम करेंगे, आइगन वेक्टर का काम। लेकिन गौर करो, खोजे तो यहीं से होना, और ये आइगन वेक्टर किसके सॉल्यूशन सेट में आएगा, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू नल के सॉल्यूशन सेट में। तो इसका मतलब ये एक्स ए माइनस लैम्डा आई के लिए किसका मेंबर होगा, नल स्पेस का मेंबर होगा। क्लियर हुआ? और यही तो यहां भी लिखा गया था, मिटा दीजिए। स्टेटमेंट क्या लिखा गया था, स्टेटमेंट था एन आइगन स्पेस ऑफ कैपिटल ए किसी दी गई, क्या हुआ, अच्छा लिखे एन आइगन स्पेस ऑफ कैपिटल ए, मैट्रिक्स कैपिटल ए का जो भी आइगन स्पेस होगा नल स्पेस होगा फॉर सर्टेन मैट्रिक्स, किसी सर्टेन मैट्रिक्स के लिए वो कौन बन चुका है, नल स्पेस। लेकिन ए के लिए वो कौन है, आइगन स्पेस। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट इज ट्रू, लिख देना ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। और लिखना इट इज नल स्पेस ऑफ, इट इज नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ये ए माइनस लैम्डा आई के लिए क्या बनाता है, नल स्पेस। आप सुनो, आप एक खास चीज हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं, आने वाला तुमसे ये पूछ ले, साबित करो ऐसा क्यों होता है कि किसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स के लिए आपको एग्जैक्टली n आइगन वैल्यू ही मिलती है। साबित करने को कहिए, प्रूफ दैट n n क्रॉस n मैट्रिक्स हैव एग्जैक्टली n आइगन वैल्यू, नॉट मोर देन, n से ज्यादा नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर तुम ये सोचो ना कि किसी 4x4 की मैट्रिक्स के पास, सामने वाला तुमसे कह रहा है एक मैट्रिक्स कैपिटल है 4x4 के पास और मुझको 4x4 के और मुझे इसकी 3 आइगन वैल्यू मिल रही है, तो उससे तुरंत बोलो भाई साहब आपको 3 आइगन वैल्यू नहीं, आपको 4 आइगन वैल्यू मिल रही होगी, उसमें से कोई रिपीट कर देंगे तभी आप हमको 3 बता रहे हो। किसी 4x4 की मैट्रिक्स के पास एग्जैक्टली कितनी आइगन वैल्यू होती है, 4, एग्जैक्टली 4। ये 4 के चारों सेम हो सकते हैं, हाँ चारों सेम हो सकते हैं, ये क्या 4 आइगन वैल्यू सेम हो गई कि नहीं हो गई, चारों सेम, तुम जितने को उतने सेम कर दे, जितने को उतने डिफरेंट कर दे, 2 सेम कर दे, 2, 2, 3, 4, 2 सेम है बाकी के डिफरेंट। इसके बाद 5, 8, 8, 8 कितने, 1, 2, 3 सेम हो गया, 1 डिफरेंट हो गया, लेकिन हर बार आपको मिल कितना रहा है, 4 ही मिल रहा है। तो कहा जाता है ना किसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स के पास एग्जैक्टली n आइगन वैल्यू होती है। अब ये n आइगन वैल्यू आपस में सेम हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है, ठीक। तो अगर सामने वाला कह रहा है कि मुझको 1 10x10 की मैट्रिक्स दी गई और मुझको 11 आइगन वैल्यू मिली, कहते तुम्हारी गणित में कमी है, मेरी समझ में कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि 11 नहीं एग्जैक्टली कितनी आएंगी, 10 आएंगी। आप कम बताते तो हम कहते कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब कुछ लोग रिपीट हुए होंगे, लेकिन आप ज्यादा बता रहे हो तो ये तो काम हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब अब अगला जो न्यूमेरिकल है ना, अगला न्यूमेरिकल यही है, प्रूव दैट अ 2x2 मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली 2 आइगन वैल्यू, नॉट मोर देन 2, एग्जैक्टली 2 आइगन वैल्यू रखेगा। इसी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, हैज एग्जैक्टली एन आइगन वैल्यू। क्लियर हुआ? दो तरीके हैं लगाने के, एक आप थ्योरम नंबर 2 का इस्तेमाल करके लगा सकते हो, थ्योरम नंबर 2 अभी अभी जो लिखे हुए थे, अगर x1 x2 सॉरी λ1 λ2 λ3 λr डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो इनके करेस्पोंडेंस में लिया गया आइगन वेक्टर का सेट भी कैसा होगा, li, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा इस्तेमाल ये पर्टिकुलर केस है जो काफी आसान पड़ेगा तुम लोगों के लिए, हम दोनों कराएंगे, तुमको जो मर्जी वो तुम अपना ले लेना। ये बताओ अगर हम इन जनरल केस करें, उसने 2x2 में साबित करने को कहा कि साबित कीजिए 2x2 की मैट्रिक्स के पास 2 से ज्यादा आइगन वैल्यू कभी नहीं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे n क्रॉस n बना लेते हैं, टेक n क्रॉस n अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एवरी n क्रॉस n अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यू ऑन इट्स मेन डायगोनल,
they never becomes more than n. ये कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकते. तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स भी तो एक पर्टिकुलर केस ही है, आप उससे निकाल चुके हो. आप जैसा चाहो वैसी मैट्रिक्स बना लो, क्लियर. और दूसरा केस थ्योरम से हो जाता है, आप थ्योरम से प्रूफ कर सकते हो. चल रहे दोनों से प्रूफ करने, जो आसान लगेगा वो एक्सेप्ट कर लेना. थ्योरम वाला एक लाइन का है, खत्म हो जाएगा. और सॉरी थ्योरम वाला ज्यादा है, और ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर लोगे तो ये कैसा होगा, एक लाइन का होगा. समझ आया? चलो दिमाग में ये बात बैठाते रहना. एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, पांच गुड़े पांच की मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू की संख्या पांच ही हो, पांच ही, लेकिन आइगन स्पेस की संख्या वो भी पांच हो. आइगन स्पेस की संख्या पांच या पांच से कम हो सकती है, रिपीट हो गया ना. तो जैसे लैम्डा बराबर दो, लैम्डा बराबर दो रिपीट हो गया, तो दो बार रिपीट हुआ लैम्डा बराबर दो. तो आइगन वैल्यू को लिखते वक्त इसको आप गिन लोगे कि हाँ दो बार ये लोग आए हैं, लेकिन आइगन स्पेस को लैम्डा बराबर दो के लिए सेम बनेगा ना, तो आइगन स्पेस कम हो गया है. अब ना ये डायमेंशन वगैरह पर बढ़ता है, यहीं पर अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की शुरुआत होती है. लेकिन आइगन स्पेस, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, आइगन वैल्यू तो एग्जैक्टली पांच होगी. आइगन वेक्टर कितने होंगे? वो तब तक फाइनाइट नहीं होंगे जब तक कि आपकी फील्ड ना फाइनाइट हो जाए. और फिलहाल बीएससी में हम लोगों को फाइनाइट फील्ड डील करने को नहीं मिलेगा. अपना किस्सा रियल रियल की फील्ड पे चलेगा. प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन व्हाई यू टू क्रॉस टू मैट्रिक्स. एक्सप्लेन why a 2 cross 2 matrix, explain why a 2 cross 2 matrix can have at most 2 distinct eigenvalues. Two distinct eigen values. तो आप नहीं आएंगे यार, बताए नहीं थे क्या? Explain why n n cross n matrix. N cross n matrix can have at most n distinct eigenvalues. Explain why a 2 cross 2 matrix can have at most 2 distinct eigenvalue. Explain why an n cross n matrix can have at most n distinct eigenvalue. मेरे लिए ये नीचे वाला important. नीचे वाला कर लो तो ऊपर वाला हो गया कि नहीं हो गया? Already. ऊपर वाला particular case है जहां n बराबर कितना किया गया? 2. और नीचे वाला generalization है. और पता है यहां ना कितने कम ढेर हुए. इतना मेरे लिए ना एक statement के तौर पर हो जाएगा. स्टेटमेंट एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैन हैव एट मोस्ट एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू. ये मेरे लिए स्टेटमेंट हो जाएगा आज की बात से, कि अगर मेरी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है? एन से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, क्योंकि आप एक वर्ड लगा दियो ना एट मोस्ट एन डिस्टिंक्ट. अगर आप यही डिस्टिंक्ट ना कहते ना तो हम हमेशा डंके की चोट पर कहते कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स के पास ऑलवेज है एग्जैक्टली एन आइगन वैल्यू. Every n cross n matrix have exactly n eigen value. दोनों में शब्द अंतर है. एक कह रहा है exactly n eigen value और दूसरा कह रहा है at most n distinct eigen value. इसका मतलब repetition allowed है यहाँ पर. Repeat हो सकती है. चलें proof किया जाए. पहले theorem से निपटाते हैं. ठीक. क्या तुम लोग भी उसको theorem number 2 ही लिखे हुए हो? थ्योरम नंबर 2 पढ़ा है ना, तो हम थ्योरम नंबर 2 का रेफरेंस दे रहे हैं. सॉल्यूशन लिखना. थ्योरम नंबर 2 से दैट थ्योरम 2 से दैट थ्योरम नंबर 2 ये बात कहती है कि
इफ यदि वेक्टर बी वन, वेक्टर बी टू अप टू सो ऑन वेक्टर बी आर आर आइगन वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स दैट करिस्पॉन्ड विद यू दैट करिस्पॉन्ड दैट करिस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दैट करिस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू सो ऑन लैम्डा आर ऑफ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैपिटल ए देन आवर कलेक्शन वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू अप टू सो ऑन वेक्टर बी आर मस्ट बी अलाइव मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये थ्योरम नंबर टू थी। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग ऐसे समझे थ्योरम नंबर टू को। थ्योरम नंबर टू ने कहा था कि इफ बी वन बी टू बी थ्री सो ऑन बी आर द आइगन वेक्टर दैट करिस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। अगर आप अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए एक एक आइगन वेक्टर को उठाओ, लैम्डा वन के लिए एक आइगन वेक्टर ले आओ बी वन, लैम्डा वन के रिस्पेक्ट में कितने आइगन वेक्टर होंगे? इनफाइनाइट होंगे। आप उसमें से एक चुन लो, केवल एक चुन लो, वो कौन आया? बी वन। अगली आइगन वैल्यू उठाओ, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। आपकी बार आपने क्या उठाया? लैम्डा टू। लैम्डा टू के रिस्पेक्ट में कितने आइगन वेक्टर? इनफाइनाइट। आप उसके लिए एक आइगन वेक्टर चुन लो वहां से। मतलब वो क्या रहा है? लैम्डा वन एक मेंबर है। गौर से सुना, लैम्डा वन एक मेंबर है। लैम्डा वन के करेस्पॉन्डेंस में एक आइगन स्पेस आया होगा, एक आइगन स्पेस जिसमें जीरो वेक्टर पड़ा हुआ है जो कि आइगन वेक्टर नहीं है। आप इत्मीनान से लैम्डा वन के घर के पास जाओ, उसके आइगन स्पेस के पास, कहना सुनो मुझको एक वेक्टर दे दो। एक वेक्टर तुमको मिल गया, वो वेक्टर कौन हुआ? बी वन। अब दूसरी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू खोजो। दूसरी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कौन आ गई? लैम्डा, मान लो लैम्डा टू आ गई, तो लैम्डा टू के लिए भी एक आइगन स्पेस आएगा। आप वहां जाओ, दरवाजा खटखटाओ, एक आइगन वेक्टर भीख मांग रहे दे दो, वो दे देगा आपको दूसरा आइगन वेक्टर वी टू मिल गया। इस तरीके से आपके पास कुल कितने डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर हैं? आइगन वैल्यू आर है। आर दरवाजा खटखटाओ और सबसे कितना आइगन वेक्टर मांगो? एक के मांगना, दो मत मांगना ना, एक ही दलित दर्पण कभी अच्छा नहीं होता। एक आइगन वेक्टर मांगो। अब बी वन बी टू बी थ्री बी आर, ये जो कलेक्शन आया, ये कलेक्शन गारंटी है। ये कलेक्शन कैसा होगा? एलआई, क्योंकि हम लोग इसको थ्योरम नंबर टू में प्रूफ कर चुके हैं कैसे एलआई होगा। ठीक, अब इसी थ्योरी के आधार पर हम इस बात को साबित करेंगे। अच्छा ये बताओ, अब गौर से सुनना, आपके पास कहा जा रहा है कि आपके पास एग्जैक्टली कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? एन क्रॉस एन। चलो हम मान लेते हैं मेरे दिन बहुत अच्छे हैं, तो एन के एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आई, सारी एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आई, और हम थ्योरम को नकार देते हैं। थ्योरम कहती है कि एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैव एट मोस्ट एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, अधिकतम एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रख सकती है, एन से ज्यादा नहीं रख सकती। हम उल्टा मानते हैं, हम कहते हैं हम लोग नवाब पैदा है, माना एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और एन प्लस वन, कितना? एन प्लस वन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखती है। तो एन प्लस वन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखेगी, तो इस दौरान एक वेक्टर वी वन, एक वेक्टर वी टू, एक वेक्टर वी थ्री और एक कौन मिलेगा? वी एन प्लस वन मिलेगा। और आपको पता है वी एन तक ही एल आई हो सकता है, वी एन तक ही एल आई हो सकता है। वी एन प्लस वन वाला जैसे डालोगे, लीनियर अलजेब्रा याद करो, जैसे एक एक्स्ट्रा वेक्टर मिलाओगे तुरंत पूरा सेट कैसा हो जाएगा? एलडी। तो या तो थ्योरम नंबर दो गलत है और या तो मेरा मानना गलत है। तो ज्यादा गलत कौन है? मेरा मानना, क्योंकि हम अपने मन से चले हैं। इसका मतलब थ्योरम नंबर दो के अकॉर्डिंग मुझको एन से ज्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं मिल सकती। क्लियर हुआ? अब इसी बात को लिखने चाह रहे हैं। ये इतना हो गया तो हम इसको मिटाएंगे, जगह मेरे पास इतनी है, मिटाया जाए। सब लोग लिख चुके हो, अब इसी के रेफरेंस पर बात करेंगे। लिखो, यूजिंग दिस फैक्ट, इस तथ्य का इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग दिस फैक्ट, यूजिंग दिस फैक्ट, इफ एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, इफ एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैव, अगर हम इस तथ्य पर निगाह डालें जो अभी हमने लिखा था कि अगर आपके पास r डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है
तो उससे आप आर डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर पाओगे जिसका कलेक्शन हमेशा कैसा रहेगा एलआई। इस तथ्य पर अगर निगाह डालें तो अगर कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है यूजिंग दिस फैक्ट, इफ एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है मोर देन एन, है मोर देन एन, ये इस शब्द का इस्तेमाल करना मोर देन एन डिस्टिंक्ट, मोर देन एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज देन, तो ऐसे मामलों में देन द करेस्पॉन्डिंग सेट, देन द करेस्पॉन्डिंग, देन द करेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, करेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, करेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स आर एरिया 50 का, नहीं बच गए एकदम जस्ट इसी के ऊपर, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी हम तथ्य की बात कर रहे हैं, हो गए एडी बाद में कहेंगे, हम कह रहे हैं यूजिंग दिस फैक्ट, अगर हम इस तथ्य का इस्तेमाल करें जो थ्योरम नंबर 2 ने हमको दिया है, इफ एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैव एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैव मोर देन एन, अगर कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स एन से ज्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू रखती है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग द करेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। थ्योरम के अकॉर्डिंग वो सेट तुरंत कैसा हो जाएगा, एलआई हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, जबकि ये होने वाला नहीं है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक, विच इज फॉल्स, जो कि गलत है, विच इज फॉल्स, कोई स्टॉप नहीं, ऐसे ही कॉमा लगा, ठीक, क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि मुझको पता है मेरी फील्ड कौन आर एन, सॉरी मेरी फील्ड कौन है आर, और जो हम बना रहे हैं वेक्टर वो कितने का बना रहे हैं, एन क्रॉस वन का, मैट्रिक्स कितने गुणे कितने की है, मैट्रिक्स कैपिटल ए एन क्रॉस एन की, तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा एन क्रॉस वन का, हाँ या ना, आइगन वेक्टर एन क्रॉस वन का होगा, तो ये बताओ एक्स के पास कितनी एंट्री आएगी, टेन एंट्री आएगी, एक्स के पास एंट्री की संख्या एन आ रही है, और आप कह रहे हो कि आपके पास आइगन वेक्टर एन से ज्यादा आ रहा है। अब मजे की बात यहीं पर है, सोचो आप एक वेक्टर ले रहे हो x1, दूसरा आइगन वेक्टर आप ले रहे हो x2, इस तरीके से चलते हुए आपको आइगन वेक्टर मिला xn, और आप ये कह रहे हो कि आइगन वैल्यू n से ज्यादा है और डिस्टिंक्ट है, n से ज्यादा है और डिस्टिंक्ट है, चलो n प्लस वन एक ही ज्यादा करते हैं, एक ज्यादा करेंगे तो तुरंत मुझको एक वेक्टर n प्लस वन और मिलेगा कि नहीं, अब ये बताओ कितने कितने गुणे कितने का वेक्टर है, n क्रॉस 1, कितने का n क्रॉस 1, कितने का n क्रॉस 1, लास्ट वाला कितने का n क्रॉस 1, हर वेक्टर के पास नंबर ऑफ एंट्री कितनी है n, लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं n प्लस 1, वो रिमार्क याद आया, इफ नंबर ऑफ एंट्री लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स देन आवर सेट मस्ट बी एल डी, याद आ रहा है किसी को, नहीं याद आ रहा, जिनको नहीं याद आ रहा, कई लोगों को नहीं याद आ रहा है, बस शक्ल बता रही है ना, इधर गौर करना, 1 2 3, 2 4 2, 3 2 1, 4 2 2, अभी बोलना क्या ये कॉलम वेक्टर है कि नहीं है, कई एंट्री का है, 3, कई एंट्री का है, 3, कितने एंट्री का, 3, कितने एंट्री का, 3, 3 एंट्री का है, जिस दिन तुम पाइवट बनाना चालू करोगे जरा रो और कॉलम की संख्या गिनो, 3/4, और रो और कॉलम की संख्या के आधार पर हमको ये बात पता है कि पाइवट किधर शिफ्ट होता है, मिनिमा की तरफ, या तो वह मिनिमम हो जाएगा और या तो उससे भी कम चला जाएगा, तो मेरे पास अधिकतम कितने पाइवट चढ़ सकते हैं, 3, 4 तो नहीं चढ़ सकते ना, और ये एलआई तब होता है जब ये 4 के चारों कैसे होते हैं पाइवटेड, आज की तारीख में यहां 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 भी पाइवट आ जाए तब पर भी ये कैसा रहेगा, नॉन पाइवट, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास एंट्री की संख्या कम हो गई और वेक्टर की संख्या ज्यादा हो गई, तो सोचो यहां भी तो वही केस बना, कितनी कितनी एंट्री है सबके पास, n एंट्री, और टोटल वेक्टर कितने हैं, n प्लस 1, जिस दिन इनको लेकर के मैट्रिक्स बनाओगे कई गुणे कई की मैट्रिक्स पाओगे n क्रॉस n प्लस 1 की, अधिकतम पाइवट कितने चढ़ सकते हैं n, एक नॉन पाइवट छूटेगा कि नहीं, क्या ये सेट एलडी हो गया कि नहीं, अब थ्योरम कहती है ये एलआई होना चाहिए, तो कोई एक तो गलत है, कौन, थ्योरम तो गलत हो नहीं सकती, तो हम ही लोग गलत हो गए, तय हो गया, चलो लिखना, विच इज फॉल्स, सिंस, क्योंकि, सिंस क्योंकि एवरी आइगन वेक्टर, एवरी आइगन वेक्टर इज
अ मेंबर ऑफ इज अ मेंबर ऑफ आर एन एस, तुम लोगों के लिए और आगे लिखते हैं एस, ऑर्डर ऑफ वेक्टर एक्स इज एन बाई वन, हर वेक्टर का ऑर्डर कितने का है, एन बाई वन का है, इसीलिए ये लोग मेंबर किसके हैं, आर एन के हैं, ठीक। सो इसलिए कलेक्शन x1, x2 ऐसे वेक्टर लगाते रहना, अप टू सो ऑन xn और xn प्लस 1, एक ही ज्यादा ले रहे हैं, बाकी तो एक पर, अगर एक ही ज्यादा होने पर एलडी हो गया तो बाद में तो एलडी और रहेगा ही रहेगा, ठीक। मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, ये सेट हर हाल में कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, इसीलिए हम मैट्रिक्स पढ़ाने के दौरान इस चैप्टर को छोड़ दिए थे, इसीलिए क्योंकि मुझको पता है इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने में आपको एलआई एलडी की बड़ी जरूरत लगेगी, और एलआई एलडी की जरूरत है तो आपको वो लीनियर अलजेब्रा से मिलेगा। अब हम पढ़ा दिया, अब हम एलआई एलडी बड़े इत्मीनान से लिख पा रहे हैं क्योंकि हम वहां करवा दिए, और अगर हम इसको वहीं पढ़ाए होते ना ये थ्योरम तो बिल्कुल हम छुड़वा देते, ये नहीं ऐसी ना जाने कितनी और छुड़वा देते, क्योंकि एलआई एलडी जब तक ना पढ़ा तब तक ये सारी बातें नहीं समझ में आती है। अच्छा अब सुनना, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब मेरी थ्योरम गलत हो जाएगी, कौन सी, सेकंड वाली थ्योरम, ठीक। एंड देन थ्योरम टू ठीक फॉल्स, और तब थ्योरम टू कैसी हो जाएगी, गलत, विच इज इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता, आगे ये भी कहना विच इज इम्पॉसिबल। So, ये इतना लिख लो तब, विच इज इम्पॉसिबल, सो शुद्ध थ्योरी है ना, सो नहीं सो एवरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अब सुनो सो के बाद ना लाइन चेंज करके लिखना और फिर घेरा मार देना, सो एवरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, सो एवरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैन हैव एटमोस्ट, यही स्टेटमेंट लिखा है, Every n cross n matrix can have at most n distinct eigenvalue. यह statement लिख डालो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. Second way जो है ना वो general नहीं है, वो particular है. तब ना सामने वाला कह दिया, अरे चलो मान लिया तुम n cross n की एक upper triangular या diagonal matrix ले रहे हो, तब तो बच गए. नॉन डायगोनल ले लो तब क्या होगा. अच्छा अब बता इसके तीन रास्ते होते हैं, एक तो ये लिखा है थ्योरम के अकॉर्डिंग, दूसरा तुमको ये बता रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर केस ले लो, तीसरा केस जो है ना वो सेकंड चैप्टर जब चालू करेंगे इसी में दूसरी एक्सरसाइज तब उसमें आएगा 5.2 में, हम लोग जब आइगन वैल्यू निकालने जाते हैं, जब आइगन वैल्यू निकालने तो हम लोग ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट बनाते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर जो मिलता है उसको कहते हैं सीएच पॉलिनोमियल, वो सीएच पॉलिनोमियल होता है, और अगर हम इसको बराबर कर दे जीरो के तो यही सीएच इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अभिलाक्षणिक इक्वेशन बन जाता है वो, ठीक। अब सुनो मैट्रिक्स कितने की है, एन क्रॉस एन की, तो आई भी कितने का होगा, एन क्रॉस एन का, अगले वाले चैप्टर वाला अभी बता देते हैं, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, इफ आवर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन देन आवर सीएच पॉलिनोमियल मस्ट बी ऑफ ऑर्डर एन पॉलिनोमियल, तब मेरा जो सीएच पॉलिनोमियल बनेगा ना, सोचो आप हर जगह से लैम्डा घटा रहे हो, कैपिटल ए में डायगोनल से ए 11 माइनस लैम्डा, ए 22 माइनस लैम्डा, चलते चलते ए एन एन माइनस लैम्डा, बोलो लैम्डा कई जगह पर मौजूद है, एन जगह, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो लैम्डा टू दी पावर एन बनेगा कि नहीं, कई डिग्री का पॉलिनोमियल बना, और एन डिग्री के पॉलिनोमियल के पास क्या एन प्लस वन रूट हो सकते हैं, और इसके लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वही आपकी आइगन वैल्यू है, तो किसी n डिग्री के पॉलिनोमियल के पास अधिकतम कितने रूट हो सकते हैं, n, इससे भी लगा सकते हो तीन लाइन में, लेकिन ये अगली एक्सरसाइज का है, यहां हम लोग थ्योरम से, मतलब एक ही चीज को कहने के आपके पास तीन तीन रास्ते हैं, जिससे मन के उससे करो, और लोग कहते गणित कठिन, एक पे सवाल तीन रास्ते से मिल रहा है तब भी कहते गणित कठिन, बताओ क्या ख्याल है, क्या है? यही आसान है। माय
भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ना भूत पठान गाना गा के पूरी इंडस्ट्री बदनाम कर दिए। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी फिल्म बेकार है, ऐसा नहीं। वो एक पुरानी मूवी नदिया के पार ना, नदिया के पार, उसमें सुनो उसमें गाना गाए हैं जितना भोजपुरी वाला, वो सही सलाम होता है ना। वो जिसका एक सबसे फेमस है कौन दिशा में लेके चला है बटंडिया, वो पुराना है और वो जितना सुनो ना उतना ही अच्छा वो लगता है। कौन सा वो भोजपुरी नहीं है, नहीं है ना, जा करके सर्च कर लेना वापस। गवाही जिसको तुम गवाही कह रहे हो ना, भोजपुरी का ही कार्य कर दिया। पहला वर्डिंग कौन ने लिखा है? तो भोजपुरी है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया, वो एनालिसिस कर रहे हैं भैया। सेकंड मेथड, चलो लिखो इसी का सेकंड मेथड, छोटे वाला। ये तो बड़ा वाला है, हम जान रहे कई लोग इसको भूलोगे। सेकंड मेथड पर्टिकुलर वाला, बाद में उधर पढ़ाएंगे। सीएच पॉलीनोमियल हो ना तो उसको भी करा, बाद में, अभी नहीं लिखना। फॉर सिंपलिसिटी ए लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं, लिख लो कायम अपने मार्कर की खर्चा करें ना। फॉर सिंपलिसिटी लिखो, फॉर सिंपलिसिटी आसानी के लिए, फॉर सिंपलिसिटी टेक एनी एन क्रॉस एन, फॉर सिंपलिसिटी टेक एनी एन क्रॉस एन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डजंट मैटर अपर हो या लोअर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर सिंपलिसिटी टेक एनी एन क्रॉस एन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट इंट्रीज ऑन मेन डायगोनल, विद डिस्टिंक्ट इंट्रीज ऑन मेन डायगोनल। आसानी के लिए आप एन क्रॉस एन की एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए डायगोनल पर जितनी एंट्री है वो सब की सब कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये गौर करना, ऐसा हाँ है A11, A12, A13, so on, A1n, 0, A22, A23, so on, A2n, 0, 0, A33, so on, A3n, इस तरीके से चलते हुए 0, so on, 0, so on, 0, so on, A, N, N। बन गई कि नहीं बन गई? और मुझको ऐसा काम करना है कि ये लोग आपस में बराबर ना हो पाए, कोई आपस में बराबर ना हो। ये बताओ किसी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए जितनी आइगन वैल्यू होती है वो उसके मेन डायगोनल पर बैठती है, और आप कह रहे हो सारी की सारी डिस्टिंक्ट है, तो सोचो मैट्रिक्स तो है एन क्रॉस कितने की, एन की, और कुल कितनी आइगन वैल्यू रखी है, क्या ज्यादा रख पाई? सिंपलिसिटी के लिए आप ये काम कर सकते हो, इसी को हम लिखवा रहे हैं। क्या लिखे हुए हो? For simplicity, take any n cross n triangular matrix with distinct entries on main diagonal. लिखना clearly, स्पष्टता, clearly these entries, यही diagonal वाली, clearly these entries are eigen values. Clearly these entries are eigen values of the matrix. Of the matrix, and their maximum number, और इनकी जो अधिकतम संख्या आ रही है, and their maximum number are small n, not more than n. इनकी मैक्सिमम संख्या कितनी है? n, n से ज्यादा नहीं है। अब बाद में चाहे इस बात को समझ ना पाओगे तो ये बना लो छोटा सा, ये बना लो छोटा सा, बस का ये बराबर है, ऐसे काटना मत, ऐसे बना और यही नीचे लिख देना A11 does not equal to A22 does not equal to so on does not equal to AN, सब अलग अलग। n क्रॉस n की मैट्रिक्स बना डालो, इतना लिख के इसी पर इसको रोको, फिर बाकी बातें बाद में।